أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحت القائلون ولا يحصي نعماء العبد ولا يؤدي حق المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد کافی ہمیں کتاب
जो खुद अपने लिए काफी ना हो। अल्लाह ने ऐसा मोहताज बनाया है, ऐसा मोहताज बनाया है कि अगर ये मेरा अंगूठा ना हो तो इन दो उंगलियों से मैं बटन नहीं लगा सकता। हाथ में अगर बाल चला जाए तो सारी दुनिया तारीख हो जाती है। सीट की हड्डी में अगर एक बाल आ जाए तो सब काम धरे के धरे रह जाते हैं। जो इतना कमजोर हो कि वो खुद अपने काबू में ना हो, अपने इख्तियार में ना हो, वो कह रहा है मुझे फला काफी है। यानी लहजा देखिए, मैं कहता हूँ ये लहजा जहाँ कोई और पैगाम दे रहा होगा वहाँ तकब्बुर का भी तो पैगाम है। मुझे फला चीज काफी है, अच्छा लफ्ज काफी है। मैं इब्तदाई बयान से गुजर रहा हूँ, अपने मोहतरम सुनने वालों को तमीज से सहारा लेना चाहता हूँ। ये लफ्ज काफी है, ये भी तो कोई, इसका भी तो कोई उसूल कायदा कानून होगा। मुझे फला चीज काफी है, मेरे लिए बस काफी है वो चीज खरीदने का, इसका भी तो कोई कायदा कानून होगा या नहीं होगा? या जो चाहे कहते, जो जिससे चाहे काफी कहते। मैं मसला शाह साहब के यहाँ मेहमान, इन्होंने मुझे चाय पिलाई। कुछ देर के बाद दोबारा चाय पिलाने लगे तो मैंने कप उल्टा करके कहा काफी है। कुछ देर बाद मैं भूख लगी तो शाह साहब खाना नहीं लाए। अगर खाना कहें आपने अभी तो कहा था कि काफी है। मैंने बिस्तर कह लगे आपने अभी तो कहा था काफी है। हमने कुछ देर के बाद कहा मैं फला चीज चाहिए, कह रहे आपने तो कहा था काफी है। अगर काफी है कहा था तो चाय और उसी जिन्स की चीज काफी है, दूसरी चीजों को हमने नहीं कहा था कि काफी है। जब कह रहे हैं कि अल्लाह काफी है तो इसका ये मतलब कहां से निकला कि रसूलुल्लाह की जरूरत रहे? कह रहे हैं कि किताब काफी, और फिर ये जुमला तो वो बोले जिसको बोलने का हक है। मैं एक जुमला, अकीदत भरा जुमला कह रहा हूं, और अकीदत के पीछे मेरी तालीम भी है, मेरे पास दलील भी है। अल्लाह काफी है का जुमला बोले तो मोहम्मद बोले और अली बोले। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद और अली। बस की बात नहीं है ये वाली बात। मैं तो उन लोगों से भी मुखातिब होता हूं जो ये कहते हैं ना कि हमें अल्लाह से बात करनी चाहिए और हमें किसी वसीले की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, वसीला कहां से ले आए? ये कहां से शिया सुन्नी एक अकीदा लेकर आ गए? सुन्नियों में एक तादाद है जो वसीले को मानती है, शिया वसीले को मानते हैं। ये कहां से वसीला कहां से आ गया? अल्लाह से बात होनी चाहिए। मैं पहले तो उनसे ये कहता हूं कि इनसे कहो कि जरा अपना चेहरा आईने में जाके देखें। ये जुमला तुम्हारे मुंह के लिए नहीं है कि हमें वसीले की जरूरत नहीं है। नहीं है सीधा नहीं, ग्रामी इंसान निजाम अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि एक दूसरे का मोहताज बनाया है। अल्लाह के निजाम का हिस्सा है कि हमें मोहताज बनाया है, हमें फकीर बनाया है। या तो तय करो कि फकीर नहीं हो। मैं वो वाला फकीर नहीं कह रहा जो चौक पे भीख मांग रहा है, वो फकीर नहीं है, वो जलील है। फकीर वो नहीं होता, फकीर वो होता है कि जो अपने गनी को पहचान ले, अपने रब को पहचान ले और अपनी नादारी का एहसास करे। यानी मुमकिन है कोई 2000 एकड़ का जमींदार हो और वो फकीर हो, यानी उसे एहसास फख्र हो। तो पहले तो तय करें कि हम फकीर हैं या नहीं। अंतुमुल फुकरा, तुम सब के सब फकीर हो। ये कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है तुम सब के सब फकीर हो। हुवल गनीउल हमीद, अगर गनी है तो वो है, कोई गनी नहीं है। तो जब यही कायदा मान लिया जाए कि हम सब फकीर हैं तो फकीर तो गनी का मोहताज होता है, और गनी ने जो निजाम बनाया है उसको मानना ही फकर का एतराफ है। शाह साहब ने इस मजलिस के इंतजाम में फर्ज कीजिए हमारे चंद दोस्तों को तकसीम किया काम के, तुम दरवाजे पे रहोगे, तुम फला देखोगे, तुम न्याज को देखोगे, तुम फला काम करोगे। मसलन जिन साहब को कहा जी न्याज तुम तकसीम करोगे, मजलिस में एक शरीक मजलिस रहे, शाह साहब से आके कहा न्याज मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा जी फला से आके, कहा नहीं मैं तो आपसे रूंगा।
उन्होंने कहा जी उनसे लीजिए, वो कह रहा नहीं मैं तो आपसे लूंगा। ये जो बार बार कहेगा ना कि मैं तो आपसे लूंगा मैं उससे नहीं लूंगा, तो ये उसकी तौहीन हो या ना हो, खुद सैयद की शाह साहब की तौहीन है। यानी इनके बनाए हुए निजाम का इनकार किया जा रहा है। जब अल्लाह कह रहा है मुस्तफा के पास आके तौबा करो, जब अल्लाह कह रहा है मेरे नबी के पास आके तौबा करो, तो ये तो कह रहे हैं कि हम तो तुझसे बात करेंगे, तो ये अल्लाह के चाहने वाले हैं। भाई जुमला में हदिया करने जा रहा हूं, जो अल्लाह को माने और अल्लाह के रसूल को ना माने उसे शैतान कहते हैं। उसके बावजूद फरिश्तों का सरदार बन गया, इतनी इबादत की अल्लाह की, और अल्लाह से कह रहा है कि इसे क्यों बना रहा है, मैं तो जमीन पर कोई चप्पा नहीं छोड़ूंगा जहां तेरा सजदा ना कर दूं, मैं तेरा सजदा इतने सजदे करूंगा। अल्लाह ने अल्लाह को इबादत इबादत नहीं चाहिए, भाई जो मैं कहूं कह रहा हूं वही समझ जाए बात, अल्लाह को बंदगी चाहिए, अल्लाह को आबिद नहीं चाहिए उबूदियत चाहिए, अल्लाह को रूह बंदगी चाहिए। अगर इबादत हो और रूह इबादत ना हो, रूह इबादत क्या है मैं बच्चों जवानों के लिए जल्दी से अर्ज़ करता हूं, यानी फजर की दो रकत नमाज, जोहर की चार, असर की चार, मगरिब की तीन, ईशा की चार, ये रकतें अल्लाह ने तय कर दी। अब ये दो रकत पढ़ने वाला ये आबिद तो हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उबूदियत के दर्जे पर भी फायल हो। लगा जी वो उठा लिया बिस्तर से सर्दी में गर्मी में, जब नींद छुड़वाई दी तो हम तो चार रकत पढ़ेंगे, तो वो जो चार रकत पढ़ रहा है ना, कहना सजदा तो अल्लाह का है ना, मैं दो रकत ज्यादा पढ़ रहा हूं तब भी तो अल्लाह ही की इबादत कर रहा हूं। ये जो अल्लाह की इबादत अल्लाह की मर्जी के बगैर करे वो रूह है बंदगी नहीं रखता। एक भाई रहता हैदराबाद में, एक भाई रहता है मसलन लाहौर में, सगे भाई एक भाई हैदराबाद मिलने के लिए आया लाहौर वाला, जोहर की नमाज पढ़ने खड़े हुए, एक दो रकत पढ़ेगा एक चार रकत पढ़ेगा। ये सगे दो भाई हैं, एक दो रकत क्यों पढ़ रहा है एक चार रकत क्यों पढ़ रहा है। बाज लोगों के जहन में यह है कि अब जहाज के सफर हो गए लिहाजा सफरों में तो कोई मुश्किल ही नहीं होती, लिहाजा कसर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, अब तो पूरी पढ़ेंगे। तो ये इबादत तो कर रहा है मगर बनता इलाही नहीं है। बंदगी यानी उसकी बात को मानना, जैसे जैसे जिम्मेदारी। अच्छा कभी गौर किया मेरे बच्चों ने, फजर की नमाज पढ़ेंगे तो ऊंची आवाज में, जोहर की पढ़ेंगे तो धीमी आवाज में, मगरिब की पढ़ेंगे तो ऊंची आवाज में, ईशा की पढ़ेंगे तो धीमी ऊंची आवाज में, दो रकत ऊंची आवाज में, दूसरे दो रकत धीमी आवाज में, ये आवाजें ऊंची नीची क्यों करवाई जा रही है? तीन रकत क्यों, चार रकत क्यों नहीं, दो रकत क्यों, चार रकत क्यों नहीं? ये हमारा मिजाज बनाया जा रहा है, बंदगी का मिजाज। मुझे तुम्हारी रकतें नहीं चाहिए, मैं मुझे तुम्हारा मिजाज बंदगी चाहिए। ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं तुम्हें कि मैं तुम मेरे लिए मिजाज बंदगी बना सकते हो। और फिर आप भी हो तो ऐसा कि जिस पे फाखर हो अल्लाह को, लिहाजा रिसालत का इकरार हम बाद में करते हैं, नबी की अब्दियत का इकरार पहले करते हैं। का अब्द हो और रसूल हो, आप अल्लाह के बंदे भी हैं और अल्लाह के रसूल, बंदगी पहले, रूह बंदगी। क्यों बार बार अली का जिक्र किया जाए, क्यों बार बार मौला अली की बात की जाए? अली की जितनी बात होगी, जितना ज्यादा मैं मौला अली पर गौर करूंगा, इतना मेरे अंदर रूह बंदगी आएगी। अज अली आमोख्त इखलास अमल, अगर किसी को बंदगी सीखनी है तो वाली के दरवाजे भाई और तो करें। ये बंदगी अल्लाह अकबर, क्या मौला को नहीं पता था कि मैं अगर इनके बड़ों को मारूंगा तो ये मेरे बच्चों को मारेंगे?
सारी नस्ल काट दी अली की, सारे बच्चों को करबला में घेर के मार दिया। 80 साल तक तो अली नाम रखने पे पाबंदी थी। आज ये बुर्रा रहे हैं, आज तरह तरह की बातें कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, हम पर आंखें दिखा रहे हैं। मैं उनसे मुखातिब हूं, अगर तुम तबर्रा के मुखालिफ हो तो फिर वहां से शुरू करो जहां से तबर्रा शुरू हुआ है। अगर तकफीरियत के मुखालिफ हो कि तकफीर नहीं होनी चाहिए तो फिर वहां से शुरू करो जहां से तकफीरियत शुरू हुई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। रियासत तवज्जो करे, बहुत गालियां हमने इस मुल्क में सुन ली, हमने अपने लोगों को सब्र की बात की और सब्र की बात कर रहे हैं। अब ये चेहरों का जुलूस हमारा कानूनी शरई शहरी हक है। अगर तरह तरह की पोस्टें चलाकर ये वाली बातें ना की जाएगी, ये गैर कानूनी निकल रहा है, कोई गैर कानूनी नहीं निकल रहा। हम अजादारों को ये पहली दफा नहीं हो रहा है पाकिस्तान में, और बड़ी शान से होगा और बड़े आन से होगा, और कोई शख्स भी चेहरों के दिन घर में नहीं बैठेगा। चंद निशानियां मेरे मौला रिजा ने बयान फरमाई कि मोमिन की निशानियां क्या हैं, उनमें से एक निशानी यह है कि ज़ियारत अरबईन चीजों का दिन मनाने वाले को। इसकी तरफ मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना कहूंगा कि हम पाकिस्तान के मुहिब वतन शहरी हैं और हमेशा हमने लाशें उठाने के बावजूद भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, और आइंदा भी ऐसे ही होगा। अंदाज से और पुरवेकार अंदाज से सैयद शौदा की चेहरों का इनका होगा। बात यह है कि रूह है बंदगी, और उस रूह है बंदगी का सरखेल मौलानी की रात। सारे सिलसिला आए विलायत अली से क्यों शुरू होते हैं? जितने भी वलियों के सिलसिले हैं ना, अली से शुरू होते हैं, इसलिए कि अली ने बंदगी की रूह अता की है। रूह है बंदगी है हैदर करार की के सीने पे चढ़कर बैठ गए, और ये रूह है बंदगी है अली अबी तालिब के सीने से उतरा है। सीने पे चढ़ना भी अल्लाह की खातिर था, सीने से उतरना भी अल्लाह की खातिर। कोई काम भी मैं अपने लिए नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ा मकाम है मेरे अजीजों के इंसान अपने आप को फना कर दे अपने माबूद के वजूद। दूबू फी अलीन, अली में गुम हो जाओ, कमा हुआ ताबुल्लाह, जैसे वो अल्लाह में गुम हो गया। रूहे बंदगी। आवाज आती है साहब हर मजलिस का उन्वान अली, हर मजलिस में बात अली की, अली के अलावा कोई और बात नहीं है, कोई और फजाइल नहीं है आपके पास, तो हम एक ही जवाब देते हैं, हम मौला की बात इसलिए करते हैं कि अली की बात इंसान को बंदे परवरदिगार बनाती है। जितना मौला अली का जिक्र होगा इतना ही अल्लाह की बंदगी मजबूत होगी, अकीदा तौहीद मजबूत होगा। कभी गौर फरमाया कि अल्लाह की तौहीद भी अजाब से बचाने का जरिया, और अली की विलायत भी अजाब से बचाने का जरिया। और अली की विलायत भी मेरा किला है जो इसमें दाखिल हो गया वो मेरे अज़ाब से बच गया। या अल्लाह तेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा किला है, या अली की विलायत तेरा किला है। आवाज आएगी, दोनों में फर्क नहीं है, जो तासीर ला इलाहा इल्लल्लाह की है वही तासीर अलीयुन वलीउल्लाह की। नतीजा दोनों का एक ही है, हासिल दोनों का एक ही है। मिसाल मुमकिन है सादा हो मगर मेरे बच्चों और जवानों के लिए ज्यादा बेहतर बेहतर रहेगी। मसलन हमने अपना घर बनाने के लिए बड़ा एहतमाम किया, बड़ा इंतजाम किया, बड़ी मेहनतों से मकान बनाना शुरू किया, किराए के मकान में रहते थे, कभी उधर कभी उधर, अभी अपना घर बना लेते हैं, और जैसे जैसे हमारा मकान
आग में जलते रहे। इसका मकान कैसे बन रहा है, नए मकान में कैसे जा रहा है। और जब मकान तैयार हो गया और दूसरे दिन सुबह मैं अपने नए मकान में मुंतकिल होना था, तो रात के आधा पहर गुजरा, दरवाजे में दस्तक हुई। हमने देखा बड़ी बड़ी गाड़ियों में कुछ सरकार के लोग हैं। हमने कहा जी क्या मामला है? कहने लगे जी आपने दो गली बाद एक मकान बनाया है, हम हुकूमत के लोग हैं, हम रियासत के लोग हैं, आपसे मकान खरीदना चाहते हैं। हमने कहा जी हमने अपने लिए बनाया। कहने लगे जी कितने का बनाया? हमने कहा मसलन जी 1 करोड़ का बनाया। कहा हम आपको 20 करोड़ देते हैं और आपको एक मनसबी रियासत भी देते हैं और आपकी नस्ल में भी ये मनसबी ये रियासती मनसब मुंतकिल होता रहेगा। अब हमने सोचा भाई सौदा बुरा नहीं है, 1 करोड़ 20 करोड़ मिल रहे हैं और उधर खुद को भी मनसब मिलेगा और मिसाल है और रियासत का मनसब जो है नस्लों भी मुंतकिल रहेगा। हमने फौरन मकान के कागजात उनके हवाले किए, उनसे वो मुराद ले लिया हमने और बड़े सुकून से जाके सो गए। दूसरा दिन जब नमूदार हुआ तो जो हमसे हसद करता हुआ शख्स हमारे बनते हुए मकान को देखकर जल रहा था, उसने उस घर को आग लगा दी। सारा महल का बाहर निकल कर आके उस जलते हुए मकान का तमाशा देखने के लिए हम भी उसी मजमे में खड़े हुए जलता हुआ मकान देख रहे थे। आग लगाने वाला भी वही था, वो हमारे चेहरे का इत्मीनान देख देख कर और जल रहा था। भाई इनका तो मकान जल रहा है और ये परेशान नहीं है, और हम इसलिए मुतमईन थे कि ये हमारा मकान ही नहीं। अली ने शबे हिजरत अपनी जान बेच दी, अल्लाह से मुराद ले ली। अब तुम अगर अली और औलाद अली को मारोगे तो तुम्हारा और अल्लाह का मसला है, तुम्हारा और अली का मसला है। चूम जरूर तो एक
लंबी लिस्ट है कि जो अल्लाह की बात को नहीं मानते वो फिर अल्लाह उनको मनवाना अल्लाह को आता है। तो सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। तो पहली बात अल्लाह का निजाम ये है कि उसके जरिए से अब उसने दो वाजिब अपने ऊपर करार दिए। एक वाजिब इन्ना अलैना लिलहुदा, मुझ पर वाजिब है कि मैं तुम्हें हिदायत अता करूं। दूसरा वाजिब वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। दूसरा वाजिब अल्लाह ने अपने ऊपर ये रखा कि जमीन में कोई हिलने वाला जुम्मंदा रींगने वाला नहीं होगा मगर उसके रिस्क की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो रिस्क का एहतमाम भी अल्लाह का काम है और हिदायत का काम भी अल्लाह का काम है। अब उस अल्लाह ने हिदायत के लिए जो निजाम मुरत्तब किया है इससे अच्छा नहीं हो सकता था जो उसने बनाया है। बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, जवान मेरे सामने बैठे हैं, वो सवाल करते हैं अल्लाह ने हमें बनाया ही क्यों है। वो पूछते हैं अल्लाह ने हमें फला माँ बाप के घर में क्यों पैदा किया, हमारे दोस्त के माँ बाप के घर में क्यों नहीं पैदा कर दिया, अल्लाह ने ऐसा क्यों किया है, अल्लाह ने वैसा क्यों किया है। जो एक लंबी फहरिस्त है क्यों 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 की, पहले तो उन्हें जवाब दूं कि ये क्यों का जज्बा भी उसी ने दिया है, ये सलाहियत भी उसी ने अता की है कि तुम क्यों कहो, ये माइक क्यों नहीं बोलता, ये मेंबर क्यों नहीं बोलता, मेरे कपड़े क्यों नहीं बोलते कि ये ऐसा क्यों बना दिया, ये चश्मा क्यों नहीं बोलता, जितनी भी मखलूक है जो आपकी अपनी बनाई है वो आपसे क्यों नहीं बैठ गए थे, जो आप बनाते हैं ना वो आपसे क्यों नहीं कहते, लेकिन अल्लाह का बनाया हुआ अल्लाह से कहता क्यों। तो ये जो क्यों का जज्बा दिया है ये भी उसी ने दिया है। तो जिसने क्यों का जज्बा दिया है वो फिर क्यों का जवाब भी देगा। अब अगर मुझ मौलवी के पास जवाब नहीं है तो ये नहीं समझना कि दीन हार गया, इस्लाम नाकाम हो गया, मौलाना के पास जवाब नहीं था। अगर मुझे जवाब समझ में नहीं आ रहा तो या मैं नहीं मान रहा उस जवाब को तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो जवाब नहीं है। जैसे एक डॉक्टर से मुतमईन नहीं होते तो फिर इंजीनियर के पास जाके इलाज नहीं करवाते, जैसे एक मैकेनिक से मुतमईन नहीं होते तो फिर डॉक्टर से जाके गाड़ी ठीक नहीं करवाते, फिर भी ढूंढते आप मैकेनिक को ही। एक डॉक्टर से अगर मुतमईन नहीं होते तो फिर दूसरा भी डॉक्टर ही ढूंढते हैं। अगर एक मौलवी से मुतमईन नहीं हो रहे, एक मुफस्सिर से, एक आलिम से मुतमईन नहीं हो रहे तो फिर हम मसला साइंसदान नहीं बताएंगे, मसला बताएगा भी आलिम नहीं। अब ये मेरी किस्मत है कि मेरे दरमियान मेरे पास जो आलिम है वो इतना मयारी नहीं है कि मैं उससे मुतमईन हो जाऊं, ये तो मेरी किस्मत की खराबी है। मैं ढूंढूं जाकर ऐसे साहिबाने दिक्कत और साहिबाने इल्म लोगों को जिनसे मैं पूछूं तो मुझे इत्मीनान हासिल हो जाए। लेकिन अल्लाह इस क्यों का जज्बा और इस जज्बे की तस्कीन भी वही अता करता है। दूसरा काम उसने अपने पर हिदायत कर दिया है, एक काम उसने अपने पर रिस्क कर दिया है। वो जो हिदायत की जिम्मेदारी उसने ली है उसका उसने मैप उसने नक्शा क्या बनाया है। गैर इंसानों के लिए तो उसने फितरी हिदायत हराम दी है, मछली मीलों का सफर करके अंडे छोड़कर आती है दोबारा अपने पुराने वतन में आ जाती है, बच्चे अंडियों से निकलते हैं तो उन्हीं रस्तों से होते हुए अपनी माँ के वतन में आ जाते हैं। कि इन बच्चों को किसने बताया है कि तुम्हारी माँ किस वतन की है, ये हिदायत है, ये तकवीनी है, एक फितरी हिदायत है, ये एक मिसाल है। ये भैया का अगर आप हौसला देखिए कितना, इंजीनियरिंग की बेहतरीन मिसाल है, शाहकार है, नक्शे बनाने की शाहकार है भैया का हौसला, वो तारों से कैसे बनाता है। ये खुश शहद की मक्खी के मौलानी फरमा रहे हैं कि कभी शहद की मक्खी के छत्ते को और उसके निजाम को देखो, तुम उसके निजाम पे जितना गौर करोगे तुम्हें अल्लाह समझ में आएगा। कौन है कि जिसने इसको इतना दिमाग दिया है, इतना शऊर दिया है। ये चंद मिसालें, फिर मोर के ऊपर मौलानी का खुतबा, चिमगादड़ पर मौलानी का खुतबा, चींटी पर मौलानी का खुतबा। मौलाना ने फरमाया अल्लाह को जानने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाओ, इस चींटी को हाथ में उठा के इसमें गौर करते रहो। वो सारा निजाम जो तुम्हारे छह फट के बदन में अल्लाह ने करार दिया है वो इतनी सी चींटी में वो सारा निजाम रखा है। वो चाहे तो बड़े नक्शे को बना दे और वो चाहे तो बड़े नक्शे को छोटी जगह बना दे, वही निजाम हाजमा है, वही निजाम दाफिया है, वही तनासुल का सिलसिला है, वही औलादों का सिलसिला है, वही रिश्ते हैं कि ये नर है, ये माता है, ये माँ है, ये औलाद है, ये दादा है, ये नाना है, वही निजाम है सारा। और फिर फरमाते तुमने नहीं देखा कि इतनी बारीक सा, इतना बारीक सा जानवर उसी निजाम के साथ चलता है, किसने बनाया इसको। मोर के बारे में मेरा मौला अली फरमाते कभी गौर फरमाया, इसके रंगों पर गौर किया, जब पर
रंग टूट जाता है तो पीले रंग की जगह पीला रंग ही निकलता है। ये रंग अल्लाह ने कैसे बखेर दिया इसके अंदर, जिसको इसको निजाम दिया है। अजीजा ने गिरामी, उसने जो निजाम बनाया है हिदायत का, उस हिदायत के निजाम में उसने नबी मुकर्रम जनाब ज़हरा और 12 इमामों को हमारी हिदायत के लिए अपने मैप का, अपने नक्शे का हिस्सा करार दिया। सरकार दो जहां का वजूद, सैयदा का वजूद और फिर 12 इमाम, ये सब के सब परवरदिगार आलम की तरफ से उसकी हिदायत का निजाम है। हिदायत देकर ही होंगे, जो हिदायत हिदायत हम लेंगे उससे जो हिदायत दे सकता हो। लिहाजा कमालात का मजमुआ इस घराने को बराबर किया। उसने सैयदा को इस घर का हुस्न करार दिया, तमाम तर आइम्मा का कमाल अगर कहीं एक जगह पर महजूब नजर आए तो उसे फातिमा कहा जाता है। लिहाजा चादर में जब सरकार पंजतन को ले लेंगे तो आवाज आएगी हम फातिमा, ये सब के सब फातिमा है। ये जब चादर में आ जाते हैं सब फातिमा हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो एक अली है, एक हसन है, एक हुसैन है, एक फातिमा है, अंदर आते हैं तो सब फातिमा है। अगर फातिमा ना होती तो अली के कोई बराबर ना होता, उल्टा है, अली ना होते तो फातिमा के कोई बराबर ना होता। यानी ऐसा नहीं है कि अगर फातिमा ना होती तो अली के कोई बराबर ना होता, नहीं, अली ना होते तो फातिमा के बराबर ना होता। ये अजमत ज़हरा है, अजमत सैयदा है। अगर अली ना होते तो फातिमा के कोई बराबर ना होता। सैयदा को तमाम तरजमतों को अनुमान, मौला अली को उनका बराबर करार दे दिया। अब जो हिदायत देने आए, देखें एक लम्हा भी अगर मौला अली की जिंदगी में इल्म का हो तो वो उनवान जिहालत हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है कि जो इल्म देने आए। पैदाइशी आलिम, पैदाइशी सदी, पैदाइशी शजू शुजा, पैदाइशी तौर पर साहिब गैरत, पैदाइशी तौर पर साहिब इज्जत, ये मजमूए कमालात लेकर आए। मौला अली के बाद मौला हसन, मौला हुसैन। नबी मुकर्रम फरमाते हैं तिस अतो मिन मुल्दिल हुसैन, मेरे बाद 12 जानशीन होंगे और 12 जानशीनों में पहला अली, दूसरा हसन, तीसरा हुसैन और 9 हुसैन के बेटे, 9 हुसैन के बेटे। मेरे मौला जब इमाम हुसैन की ज्यारत के लिए गए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, तो घोड़े से उतर गए, पैदल जा रहे थे कब्र अथहर की तरफ, तो एक जानने वाले ने पूछा, मौला आप भी इमाम हैं और हुसैन भी इमाम है, आपका अदब आपका एहतराम हुसैन के लिए? फरमाया खबरदार, हमें इमामत बे तसद्दुक हुसैन मिली, लिहाजा इमाम हुसैन हुसैन है। तिस अतो में बोलते हुसैन, मुझे माफ करेंगे, मेरा मुकदमा यहाँ मुकम्मल हुआ, अगर लंबा हो गया हो तो माफ करें। इरशाद हजरत आतियत, अता अम्रुल्लाह, अल्लाह का अम्र आ चुका है, फला तस्ताजिरू हो सुभानहु व तआला अम्मा युश्रिकून, उसे पाने में जल्दी ना करो, जब हम मसलह समझेंगे अपने अम्र को जाहिर कर देंगे। ये जान लो कि विलादत हो चुकी है गैबत में। अता अम्रुल्लाह, अल्लाह का अम्र आ चुका है, अता अम्रुल्लाह, अल्लाह का अम्र आ चुका है, फला तस्ताजिरू हो, उसे पाने में जल्दी ना करो, सुभानहु व तआला अम्मा युश्रिकून, जो ये सोचते हैं ना कि नहीं है, कैसे होगा, कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई हादी नहीं है, कोई रहनुमा नहीं है, उनसे कह दो सुभानहु व तआला, अल्लाह तुम्हारी सोच से कहीं बुलंद है, अल्लाह तुम्हारे ख्यालात परेशान ख्यालों से कहीं बुलंद है,
सुभानहु व तआला अम्मा युशरिकून, जो अल्लाह के बारे में तुम सोच रहे हो अल्लाह उसे कहीं ज्यादा बलद है। अल्लाह का अमर आ चुका है, इमाम की विलादत हो चुकी है, उसे पाने में जल्दी नहीं करो। हलका अल मुस्ताजिरून, हलाक हो गए वो जल्दी करने वाले। ये जल्दी करने वालों के अंदर से ही फिर महतबियत का दावा करने वाले निकलते हैं, जो कहते हैं ना आज आ जाएं, अभी आ जाएं, इमाम क्यों नहीं आ रहे। फिर वो कहते हैं फला इमाम महदी है, कोई बढ़ के कहता है मैं इमाम महदी हूं। जो दावा महदबियत करने वाले लोग हैं वो हैं जिनके मिजाज में जल्दबाजी है। हमें अल्लाह तसल्ली दे रहा है, खबरदार अल्लाह का अमर आ गया है, तुम जल्दी ना करो। युनज़िल मलाइका बिर्रूह मिन अम्रे, अल्लाह मलाइका को रूह के साथ अपना अमर देकर भेजता है। अला मन यशा मिन इबादिही, अल्लाह अपने उन बंदों पर अमर के अमर देकर भेजता है जिन्हें वो चाहता है। अन अंदरू, और अमर यह है कि लोगों को मुतवज्जे करो अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, कि मैं हूं तुम्हारा अल्लाह और इसके अलावा कोई और नहीं है, और तक्वा परवरदिगार इख्तियार करो। अजीजो, निजाम हिदायत में बारहवें को महदी कहते हैं। मेरे बच्चों और जवानों, बारह इमामी का नजरिया सिर्फ शियों का नहीं है, सिर्फ शिया इतना शरी नहीं है, हर मुसलमान इतना शरी है। कोई सुन्नी भाई भी ये नहीं कह सकता कि मैं इतना शरी नहीं हूं, इसलिए कि नबी ने कहा मेरे बाद बारह जानशीन होंगे और बारहवें पे कयामत आ जाएगी। लिहाजा बारह का अकीदा सबका है। जाकर पूछ लीजिएगा किसी अपने, जो मेरा सुन्नी भाई अगर चाहे कि तसल्ली करना चाहे तो जाकर किसी अपने बुजुर्ग आलिम दीन से पूछ ले कि बारह इमामों का क्या नजरिया है। एक दो किताबें नहीं है, बारह इमामों का नजरिया सुन्नी शिया का है कि नबी के बाद बारह जानशीन होंगे। नजरिया उनका भी है, नजरिया आपका भी है, नजरिया मेरे भाई का भी है, नजरिया आपका भी है। फर्क यह है कि हम खूब अच्छे अंदाज से सफर को जारी रखे हुए हैं और हमारे भाई मंद गली में खड़े हुए हैं, उन्हें यू टर्न लेना पड़ेगा, उन्हें वापस आना पड़ेगा। इसलिए कि वहां 52 हो गए, 58 हो गए, 42 हो गए, 48 हो गए, 12वां चला गया, कयामत नहीं आई। जब नबी ने कह दिया 12वें पे कयामत आएगी, ये जो ही के इलाके में, ये जो आपका कच्चे का इलाका है, यहां हमारे एक जुमले पर एक जमींदार है वहां के, वो शिया हो गए, उन्होंने अलम लगा दिया और उनकी अलम लगाने से पूरे गांव ने अलम लगा दिया। वो जुमला क्या था वो सुना देता हूं। वो जुमला ये था कि मैंने कहा जी आप 12 इमामों का नजरिया सुन्नी शिया का नजरिया है, 12 इमामों का नजरिया सुन्नी शिया का नजरिया है। हमारे भाइयों की किताबों में 12 इमामों के नाम है मगर उसमें छठा यजीद है, हुसैन का नाम ही नहीं है। निजाम यही है, इससे बेहतर निजाम नहीं है, कोई और नहीं ला सकते निजाम इसके अलावा। सब 12 इमामों को मानते हैं मगर कुछ 12 की तादाद को पूरा करने के लिए एक इस्तलाह का इस्तेमाल करते हैं, खुलाफाए राशिदीन और खुलाफाए गैरे राशिदीन। मेरा मोटा सा सवाल, हादी हादी होता है, नबी नबी होता है, रसूल रसूल होता है, कहीं आपने सुना नबी राशिद और नबी गैर राशिद? नबी नबी होता है, वो राशिद और गैर राशिद क्या होता है? ऐसे खलीफा खलीफा होता है, ये गैर राशिद क्या होता है? ये गैर राशिद का होना बता रहा है कि ये तुमने अपने हाथ से बनाया था। अगर अल्लाह का बनाया हुआ मानते तो फिर गैर राशिद ना होता। अल्लाह ने जिन्हें बनाया है कोई ऐप निकाल कर दिखाओ, थके नहीं बैठे तो एक मिसाल दे दो। किसी इमाम मासूम का जमाना ऐसा नहीं गुजरा जिसमें कोई सवाल लेकर आया हो और इमाम ने जवाब ना दिया। और यहां
मिसालों की मिसालें हैं कि इनसे मसला पूछा गया तो इनसे मसले का जवाब नहीं आता था। मुतवक्किल को देख लीजिए, हारून को देख लीजिए, मामून को देख लीजिए, मोतसिम बिल्ला को देख लीजिए, हज्जाज इब्न यूसुफ को देख लीजिए, खुद और बड़े बड़े नाम, मैं बात कर रहा हूं बाद वालों की, खासतौर पर जिनके यहां बहुत रोशन है कमजोरियां, जिनकी कमजोरियां बहुत रोशन है। दो बात ही नहीं है, दो बातें ही नहीं है इस बात में। लेकिन यहां जब आप जाएंगे तो आपको कोई इमाम अहले बैत नहीं मिलेगा कि जो इल्म और शजाअत, सखावत, गैरत और इज्जत में कमजोर नजर आए। वो पांचों कमालात जो इंसान के जाती कमालात हैं वो ये कमाल पर लेकर आए। मुतवक्किल की मां ने मन्नत मानी कि मेरा बच्चा अच्छा हो गया तो मैं कसीर सदका अल्लाह की राह में सदका, कसीर चीजें अल्लाह की राह में सदका दूंगी। मुतवक्किल अच्छा हो गया, बीमारी उसकी बरतरफ हो गई, दरबार में बैठे हुए मुफ्तियों से, मुख्तलिफ मसालिक के उलमा से पूछा, भाई कितनी चीजें दे दूं जो कसीर कहलाए। किसी ने कहा जी 20 दे दीजिए। उसने कहा 20 क्यों, कसीर किसे कहते हैं? किसी ने कहा हुजूर अच्छा कोई समझते थे कि कम है। किसी ने कहा जी 40 दे दीजिए। उन्होंने कहा 40 क्यों? उसने कहा जी 60 दे दीजिए। उन्होंने कहा जी 60 क्यों? मुझे अदद जो तुम बता रहे हो इस अदद के पीछे दलील दो कि कसीर का क्या मतलब है। कोई दलील नहीं थी कि एक मरतबा परेशान होकर कहा कि वो शियों का जो दसवां इमाम है वो हर बात का जवाब रखते हैं। तो मेरे मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से पूछ लिया गया कि हुजूर फरमाइए कितना क्या दे दूं कि कसीर कहलाए। इमाम ने फरमाया 80 चीजें अल्लाह की राह में दे दो, 80 चीजें अल्लाह की राह में दे दो तो तुमने गोया कसीर का सदका दे दिया। अब जैसे वहां 20 पर, 40 पर, 60 पर वो पूछ रहा था ना क्यों, ऐसे यहां भी पूछा क्यों, 80 क्यों? मेरे मौला इमाम अली रफी मुस्कुराए, हजरत ने फरमाया तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब से कहा लकद नसरकुमुल्लाह फी मवातिना कसीरा, अल्लाह ने तुम्हें हबीब कसीर मकामों पर नुसरत अता की है। अल्लाह ने 80 जंगों में ही तो नुसरत अता की थी। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले किताब लिख दी है तनाकुदुल कुरान, कुरान में एक आयत दूसरे आयत से टकराती है और वो लिस्ट बना ली कि जो आयतें और वो लिस्ट बना ली जो आयतें इन आयतों से टकराती हैं, सामने लाके कर दिया यह आयत इससे टकराती है, यह आयत इससे टकराती है, ये कुछ कह रही है, ये कुछ कह रही है, और पूरी किताब का नाम रख दिया गया, पूरी आयत को जमा करके नाम रख दिया गया तनाकुदुल कुरान। अब जब कुरान ही जेर सवाल आ जाए, कुरान ही जो है ना मशकूक हो जाए माजल्ला, तो फिर इनकी खिलाफत कहाँ बाकी रहेगी। खलीफा साहब बैठे हुए थे, मोतसिम बिल्लाह का जमाना है, परेशान हो गए, सबसे पूछा मैं जवाब, अभी हमसे जवाब नहीं बन रहा, ये आयत, ये आयत इस आयत से टकरा रही है। जितने भी नमक फार मौलवी थे ये आज भी कभी कभी होता है, तो ये मंजर तो आज भी नजर आ रहा होता है, तो उनके पास जवाब नहीं था। फिर बिना आखिर आवाज दी गई जिसका जवाब वही देगा जो निजाम हिदायत में 11वां है, दौर इमाम अस्करी का है, लेगा इमाम की खिदमत में। इमाम ने एक सफा पढ़ा, एक आयत दूसरे आयत से टकराती भी नजर आई, देखी देखी लिखी भी, हजरत फरमाया कि इसका जवाब एक जुमले में, किताब इतनी मोटी लिखी है इसका जवाब एक जुमले में। हजरत फरमाया तुम में से कोई एक मेरे पास ठहर जाए मैं उसे जवाब सिखा देता हूँ, जाके इसको अबू इसहाक़ किंदी को, जिसने ये किताब लिखी थी उसका नाम है तारीख में अबू इसहाक़ किंदी, कि अबू इसहाक़ किंदी को जाके एक जवाब दे देना, एक जुमला कह देना इस पूरी किताब का जवाब। उन्हें अपने पास ठहरा लिया, उन्होंने कहा तुम, उन्हें कहा तुम उसके पास जाओगे, शागिर्द होने का इजहार करोगे, शागिर्द बन जाओगे, जब कुछ दिन का एतमाद बहाल हो जाए तो फिर ये जुमला कह देना। ये पहुंच गए उस्ताद, बहुत बड़े फलसफी हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, कुरान के हाफिज भी हैं, कुरान के मुफस्सिर भी हैं। अच्छा ऐसे काम भी ऐसे ही लोग करते हैं। कुरान पुकार के, हदीस पुकार के कहती है रुबतालिल कुरान वल कुरान यलअनहु, कितने ही कारियां ने कुरान है जिन पे कुरान खुद लानत करता है। वाह 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 वाह
हदी के पास, और फिर जब उसने शागिर्द बना दिया, कुछ दिन गुजरे तो कहा, उस्ताद आपने जो किताब लिखी है जिसका जवाब मुसलमान उलमा नहीं दे पा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लाम से दूर हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लाम के बागी हो रहे हैं, उस किताब पर मेरे जहन में ख्याल आया है, इजाजत है? कहने का जवाब बताओ क्या ख्याल आया? कब हुजूर, कुरान अरबी जबान की किताब है और अरबी जबान में एक लफ्ज के कई कई मानी होते हैं। आपने जो मानी सोचकर तजाद समझा है, हो सकता है मुतकल्लिम के नजदीक वो मानी ना हो। हाथ में कलम था, उसे तोड़ते हुए कहने लगा, ये जवाब किसने सिखाया? कहने लगा मेरा अपना जवाब है। कहने लगा नहीं, जवाब बता रहा है कि कुरान का वो हाफिज जिंदा है। जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है वो कहते हैं और कहते रहेंगे, यकूलो फेले मुदारे हाल और मुस्तकबिल को शामिल होता है, यद्रिबो यक्तुलो यद्रिबो यकूलो, कहते हैं और कहते रहेंगे कि आप भेजे हुए रसूल नहीं है। यानी इनकार रिसालत नबी के जमाने में भी हुआ और कयामत तक होता रहेगा। तो जब इनकार उस जमाने में हुआ तो जो उसका तदारुक किया गया, तो कयामत तक जो इनकार होता रहेगा उसका तदारुक भी वही है, उसका इंतजाम भी वही है। तो कुल कह दीजिए, कफा बिल्लाह शहीदन बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफी है। व मन अंतहु इल्मुल किताब, और जिसके पास इल्मे अल किताब है वो काफी है। तो जैसे इनकार होता था, होता है, होता रहेगा, ऐसे ही अल्लाह का वजूद भी है और आलिमे अल किताब भी हर जमाने में है। अब वो आलिमे अल किताब को ढूंढना ही तो इंतजार है, ये फलसफा इंतजार उस आलिमे अल किताब को ढूंढना है। हर जमाने में नबी की नबूवत का इकरार और इस बात के लिए एक आलिमे अल किताब है। अच्छा, अगर मेरे अकीदे के ऊपर किसी को एतबार नहीं है तो नबी के कौल पर तो एतबार हो। नबी ने फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम सफलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, किताब अल्लाह व इतरत अहले बैती, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत अहले बैत, लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैल हौज, ये एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे मगर जब तक के हौज कौसर पे मुझसे ना मिले। यानी हर जमाने में ये साथ साथ रहेंगे। तो अगर मुझे इमाम नजर नहीं आ रहे तो नबी के कौल पर यकीन करके मान लूं कि हैं। हर जमाने में कुरान के साथ एक आलिम कुरान होना जरूरी है, जो कभी ये न कह पाए कि मुझे इसका जवाब नहीं आता, दिक्कत चाहूंगा। नहीं अजीजा निगरामी, यही वो मोड़ है कि जहां आकरबाज रीश दराज लोग बड़े बड़े मुफ्तियान दीन बड़े तकब्बुर से कहते हैं कि वो आलिम कुरान हम है, वो आलिम कुरान हम है। मुझे समझ में नहीं आता, जब मैं कहता हूं मौला अली अंबिया से अफजल है तो कहते हैं गुलू हो रहा है, और जब खुद पढ़ के कहते हैं कि हम मुराद हैं, ये कैसी मंतिक है भाई, ये कैसा फलसफा है भाई। यानी मौला अली अंबिया के नाम से अफजल कह दिए जाए तो ये अंबिया की तौहीन। उलमा उम्मती अफजल मिन अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा अंबिया बनी इसराइल से अफजल है। कौन है भाई वो आलिम? मुफ्ती साहब ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरते फरमाया, अभी तो है। और अगर मैंने कह दिया कि जी मौला अली आलिम है उम्मत मुस्तफा है, तो कहा नहीं, हम भी ऐसे अफजल नहीं हो सकते। अजीब दास्तान है। सर सैयद अहमद खान से किसी ने पूछा, सतीफे में होते तो किसको वोट देते? खफा तो नहीं हो रहे आप? सतीफे में होते होते।
ये अजीब दास्तान है। जब अपनी बात आती है तो इनसे ज्यादा कोई मोहतबर नहीं है, जब बात मौला अली की आती है तो कहते हैं वलू हो रहा है। कौन है जो हर जमाने में आलिम है? मैंने दो मिसालें तो आपको भी दे दी, जो आलिम है अल किताब और हर जमाने में किताब का जानने वाला है, ये है निजामे इलाही। अता अम्रुल्लाह, इमाम आ चुके हैं। मुझे तो इमाम के आने की खुशबू आ रही है, उनके जहूर की खुशबू आ रही है। आ तो चुके हैं मगर जाहिर भी होने वाले हैं, ये जो जहूर की खुशबू आ रही है। इमाम के आने की खुशबू आ रही है कि इमाम के आने से पहले हकायक खुलना शुरू हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हकायक खुलना शुरू हो गए। बहुत सी चीजें क्लियर हो गई हैं। कुछ चीजें थी जो दिलों में बैठी हुई थी, वो अमीर फला जिंदाबाद के नारों ने खोल दी। सोशल मीडिया का दौर है, इसकी मुखालफत करना अकलियात की मुखालफत। सोशल मीडिया की मुखालफत करना तो जमाने के साथ न चलने का ऐलान है, और वो मुसलमान अच्छा मुसलमान नहीं है जो जमाने के साथ न चल सके, वो निजाम अच्छा निजाम नहीं है जो जमाने के साथ आपको न चला सके। सोशल मीडिया का इनकार और उसकी मदम्मत नहीं होगी। अपनी तमाम तर सलाहियतें इस मौजूदा सलाहियत के साथ जोड़ दीजिए, और इंतहाई मुहज़्ज़ब अंदाज़ से देखिए। आप अपने नजरिए को बयान कीजिए। ये जो अभी पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर हुआ, रैलियां निकली, जलसे हुए, इससे ये मत समझिएगा कि हम फिर फितक को बयान नहीं करेंगे। इससे ये नहीं समझिएगा कि हम खिलाफत बिला फजल अली पर बात नहीं करेंगे। इससे फिर ये नहीं समझिएगा कि मौला जनाब ज़हरा पे जो दरवाजा गिरा हम उसकी बात नहीं करेंगे। नहीं, इंतहाई विकार के साथ बात होगी, इंतहाई दलीलों के साथ बात होगी, मुहज़्ज़ब अंदाज़ से गुफ्तगू होगी। किसी को बुरा कहे बगैर बताया जाएगा कि अच्छा कौन था। अली में इतने को हो जाओ कि अली का दुश्मन नजर ही ना आए। सिर्फ अली की मुसलमान पढ़ेंगे मोहम्मद वाला। चराग नजर आ रहा है,
चराग को अपने जहन में बिठाए रखो और उस चराग की तरफ अपने सफर को जारी रखो। इससे बेहतर कोई और इसके अलावा निजाम भी नहीं है। कोई मुमकिन है कि मौलाना नहीं मानते, नहीं मानते तो जो नहीं मानते जो सही है वो बताओ क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार नहीं मानते, नहीं मानते तो फिर क्या। इससे अच्छा कोई निजाम नहीं है, इससे बेहतर कोई निजाम नहीं, यही हल है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। वरना मर जाओगे मायूस होकर। मैं देखना चाहूंगा अली इब्ने यकीन से उनके बाबा अली ने कहा, उनके बाबा यकीन ने कहा, अली से उनके बाबा यकीन ने कहा कि तुम्हारे आइम्मा ने कहा कि मेहदी का जुहूर होगा तो कब होगा। फरमाया वक्त नहीं बताया, इसलिए कि अगर वक्त बता दिया होता तो उसी जमाने के लोग इंतजार करते जो वक्त बताया होता। मसलन अगर कह दिया होता कि 2020 में आपकी का जुहूर होगा तो 1820 के जो लोग थे, जो आपके दादा मेरे परदादा थे, वो कहते जी हमारे जमाने में तो आएंगे नहीं तो हम इंतजार क्यों करें। वक्त न बता के हर एक को उम्मीद से जोड़ दिया, मरने नहीं दिया। असल बदन की मौत नहीं होती, असल फिक्र की मौत होती है, असल नजरिए की मौत होती है। नजरियों की बुनियादों पर ही तरक्कियां होती हैं, तहरीकें आगे चलती हैं। लिहाजा अल्लाह का ये निजाम, और क्यों अल्लाह ने पर्दा गैबत में रखा है, पहले तसल्ली दीजिए, थक तो नहीं रहे मेरी बात। क्यों अल्लाह ने पर्दा गैबत में रखा है, भेज क्यों नहीं दिया। उसने भेज क्यों नहीं दिया, भेज क्यों नहीं रहा, क्यों गैबत में रखा हुआ है, उसका एक मोटा सा सबक सुनते जाइए। बातें बहुत सी हैं मगर एक बात सुन लीजिए, अभी काबिलियत और अहलियत नहीं, अभी आमादगी नहीं, बात जाया हो जाएगी। मुझ जैसे तो अरबों खरबों लोग मेरे मौला मेहदी की जूतियों पे कुर्बान, हमारी तो गिनती नहीं है कोई, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है। इस मजलिस में अगर शाह साहब मुझे 7 बजे मेंबर पे बिठा देते जब 2 आदमी बैठे हुए थे, तो कहते हैं ना कि इनकी बात जाया होगी, लोगों को आने दो, सब सुनने और समझने वाले आ जाए तो फिर इन्हें बुलाया जाएगा। जो इमाम नहीं आ रहे उसका भी यही सबब है, अभी आमादगी पूरी नहीं है, अभी तैयारी पूरी नहीं है। एक साहब मुझसे कहने लगे मौलाना ये साहब ने जब सारी बातें समझ ली थी तो शिया क्यों नहीं हो गए, इंजीनियर मोहम्मद अली ने बहुत सारी बातें समझ ली, शिया क्यों नहीं हो गया जी। मैंने कहा तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, मैंने किसी और से कहा था आप अपने पढ़ लीजिएगा, हमारी वजह से हम खुद रुकावट है बहुत सारी चीजों में। नाराज ना होइएगा मेरा काम है, हम खुद बहुत सारी हिदायतों में, तरक्कियों में, तरह समझदारियों में, बहुत सारी तालीम और तरबियत में, बहुत सारी बेहतरियों में हम खुद रुकावट है, हम खुद बैरियर है। लोग अहले बैत के मकतब की तरफ आना चाहते हैं, इससे अच्छा निजाम नहीं है, मगर वो कहते हैं फिर हमें ऐसा होना पड़ेगा जैसे इफाना साहब, थोड़ा सा मुझे अपने आप को बेहतर करना होगा, मुझे अपने आप अपना मयार ऊंचा करना होगा, थके नहीं बैठे तो मैं आपको सिर्फ 3 चीजें शिया हासिल कर ले, शिया सिर्फ 3 चीजों को हासिल कर ले, बैरियर टूट जाएगा, लोग अहले बैत के मकसद में आना शुरू हो जाएंगे। 3 चीजें सिर्फ शिया हासिल कर ले, अली का चाहने वाला बुजदिल नहीं होता, बुजदिली खत्म करे, सलवार पढ़े मोहम्मद वाले, लिहाजा जिन ममालिक में अली के चाहने वाले बुजदिल नहीं है वहां के हालात कुछ और है। वो लुबनान हो, वो इराक हो, वो ईरान हो, जिन ममालिक में अली के चाहने वाले बुजदिल नहीं है मर्द है। कभी गौर किया आपने, इतनी बड़ी ताकत जिसे इसराइल कहते हैं, जिसके पीछे अमेरिका है, उसकी आंखों में आंखें डालकर अगर कोई बात करता है तो उसे हिजबुल्ला कहते हैं, उसे सैयद हसन नसरुल्ला कहते हैं। आप जाके लुबनान में देखिए क्या कैफियत है, वहां के कानून का हिस्सा है कि वजीर आजम शिया होगा, सदर शिया होगा, वहां के कानून का हिस्सा है कि आपको वो हक दिया जाएगा जो आपका हक है। और बड़ी तादाद में मसीहियों से पूछिए, रोड चलते हुए मसीह से पूछिए कि आप शियों को कैसा जानते हैं, फौरन तारीफ करेंगे। ये 32 दिन की जंग में पूरे लुबनान को उधेड़ कर रख दिया था,
सारे पुल गिरा दिए थे, बड़ी बड़ी इमारतें गिरा दी थी, एक साल के अंदर दोबारा उससे बेहतर मुल्क बना दिया। और वो पैसा सारा हिजबुल्लाह ने खर्च किया। मैं कोई सियासी बातें नहीं कर रहा हूँ, रोशन मिसाल है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह की बात छुपी भी नहीं है। अली का चाहने वाला तीन कमजोरियां दूर कर ले। मैं पाकिस्तानी शियों से बात कर रहा हूँ। अली का चाहने वाला भाई, मजलिस तो मैं अली पैलेस में पढ़ रहा हूँ, मगर मजलिस अली पैलेस के लिए नहीं पढ़ रहा। मुजफ्फराबाद के लोग भी सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं, पाकिस्तानी शियों से खास तौर पर मुखातिब हो। पहली बात ये कि अपनी बुजदिली को खत्म करें, मर्द बन कर दिखाएं, बहादुरी दिखाएं। ये जो सांस मेरे अंदर गया है ना, नहीं पता बाहर भी आएगा नहीं आएगा। तो मैं अपने 21वां ग्रेड बचाने के लिए हाथ क्यों बांधता हूँ? भाइयों से भी कह रहा हूं, मुझे उस सुन्नी से बड़ा प्यार है जो लाखों शियों में करबला में और मशहद में हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा होता है। हाथ बांध के नमाज पढ़कर बताता है जिस दीन को मैंने समझा है उस पे अमल करने की जुरत भी रखता हूं। मेरे अंदर ये कमजोरी क्यों है? मेरे अंदर ये कमजोरी क्यों है कि मैं घबरा जाता हूं? सलाम भेजता हूं अपने उन सियासतदानों को, दुआ करता हूं उन सियासतदानों के लिए जो ये जानकर वजारतें कबूल करते हैं कि ये आने जाने वाली चीज है, अली की मोहब्बत कुछ और है। है ये शिया है तो शिया है,
ये क्या बात हुई कि सुन्नी तो परेशान नहीं हो रहा, शिया परेशान हो रहा है कि मैं कह दूं शिया हूं तो ये हो जाएगा। ये कमजोरी दूर करने का नतीजा दे रहा हूं अजीजा निगरानी, दुनिया में अगर आप अहले बैत की तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं लोगों को, थके ही सुनेंगे, अगर आप अहले बैत की तरफ लोगों को मुतवज्जे करना चाहते हैं तो अपने अंदर शजाअत को लेकर आए, और जब आप शुजा बनेंगे ना तो लोग कहेंगे इनके साथ हो जाओ ये अली के चाहने वाले। शजाअत ये कमजोरी दूर करे शिया बिरादरी। दूसरी कमजोरी कंजूसी, अली का चाहने वाला और कंजूस, नारा हैदरी लगाने वाला और बखील, अली अली करने वाला और बखील, खुम्स नहीं निकलता, ज़कात नहीं दी जाती, मुझे माफ कीजिएगा मजलिस हैदराबाद में पढ़ रहा हूं, अभी कह रहा था मैं हैदराबाद में नहीं पढ़ रहा हूं, अब मैं कुछ देर के लिए हैदराबाद आ रहा हूं, पंजाब का कोई इमाम बारगाह आपको झूठा हुआ नहीं मिलेगा, पंजाब का कोई मस्जिद आपको टूटी भी नहीं मिलेगी, कोई टूटियां टूटी हुई, कोई फर्श फटे हुए, कोई दरवाजे टूटे हुए, कोई कब्जे उखड़े हुए, कोई फर्श टूटा हुआ आपको पंजाब की मस्जिदों में और इमाम बारगाह में नहीं मिलेगा। और सिंध के अक्सर इमाम बारगाहों का हाल यही है, अक्सर मस्जिदों का हाल यही, पंखे जले हुए हैं, कारपेट फटे हुए हैं, टूटियां टूटी हुई हैं, बल्ब फ्यूज हैं, और मालूम है जी इस इलाके का जो सबसे बड़ा जमींदार है वो शिया है, ना खुम्स उससे निकल रहा है ना ज़कात उससे निकल रही है। मेरे सारे पाकिस्तान के मौलवी मुझसे नाराज हो जाए, मेरे मकतब के मौलवी, मैं उनकी नाराजगी को मोल लेकर एक ऐलान कर रहा हूं, और ऐलान यह है कि आप मौलवी को खुम्स ना दीजिए, खुम्स निकालिए अपने हाथ से खुद खर्चा कीजिए। ये बहाना क्यों बना रहे हैं कि मौलवी खुद खा जाते हैं, ना दीजिए ना दीजिए। अच्छा बात थोड़ी बोलेंगे बाप, ये बाप की जगह ही नहीं है, ये तो आप की जगह है, ना दीजिए मौलवी को आप खुद, भाई मौलवी खा जाते हैं ना, आपको किसी ने दिमाग में डाला भाई किसी बच्चे के, तो ना डाल ना दीजिए मौलवी को खुश, खुम्स निकालिए मैं बच्चों से जवानों से, ये नूरानी चेहरों वाले जवान बैठे हुए हैं जिन्होंने गुनाह नहीं किए, मेरी सादत मंदी है कि मेरी मजलिस में मेरे बयान में अक्सरियत जवानों की होती है, मैं इनसे गुजारिश करूं आज ही इरादा करो जनाबे सकीना का वास्ता दे रहा बीबी की शहादत के अयाम है कि तुम्हें जेब खर्ची मिलती है, तुम तालीम के साथ नौकरी कर रहे हो, आप अपनी तारीख तय करें, उस तारीख पर अपना हिसाब करें, 200 रुपए निकले, 2000 निकले, कहने मौलाना 10,000 बचे थे तो 10,000 में खुम्स कितना है, हमने कहा 2000, कहना 2000 दे दूंगा तो बचेगा क्या, अच्छा फिर तुम 2000 रख लो 8000 दे दो, 2000 निकाल के बचेगा क्या, जिस अल्लाह ने तुम्हें 10,000 बचा के दे दिए वो तुमसे 2000 मांग रहा है, वो 2000 अपने हाथ से अपने इलाके की मस्जिद पे खर्च कर दो, अपने हाथ से अपने इलाके के इमाम बारगाह पे खर्च कर दो, इलाके में अगर मदरसा है तो उसमें कुछ पैसे डलवा दो, कुछ चीज डलवा दो, कोई राशन डलवा दो, कंजूस और अली का चाहने वाला, मैं तो कहता हूं सबसे आगे निकल जाएगा सिंध पूरे पाकिस्तान में, मैं मुजफ्फराबाद से लेकर कराची तक, पेवाड़ की चोटी से लेकर कराची के साहिल तक, लद्दाख की चोटियों से लेकर कराची के साहिल तक पूरा पाकिस्तान देख चुका हूं, सिंध सबसे आगे निकल जाएगा मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, मदरसों में, स्कूलों की जरूरत है आपको, आपके बच्चे पंजाब पढ़ने जा रहे हैं, मेरे बच्चे मुझ सिंधी के बच्चे, मैं सिंधी हूं, मुझ सिंधी के बच्चे पंजाब पढ़ने जा रहे हैं, सिंध में कहां है हमारे पास इदारे जहां हम अपने बच्चों को आला तालीम दें, आयतुल असिस्तानी की खिदमत में मैं गया, मुझसे कहने लगे मदरसे कितने हैं पाकिस्तान में, शिया मदरसों के लिए पूछने लगे, मैंने कहा जी 500, कहने लगे स्कूल कितने, मेरा तो मुंह लटक गया क्या बताऊं, कहने तुमने अपने बच्चों को यहूदियों के हवाले किया हुआ है, वही ऑक्सफोर्ड की, वही कैम्ब्रिज की, वही लेवल्स पढ़ाइए मगर खुद पढ़ाइए, निजाम तालीम वही रहे जो दुनिया में राइज है मगर खुद पढ़ाइए, हमारा हाल अच्छा नहीं है, कंजूस और अली का चाहने वाला नहीं हो सकता। तीसरी बता दो कमजोरी, बिस्मिल्लाह, नहीं 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 गड़बड़ हो गई, बिस्मिल्लाह, बड़ी धीमी सी बिस्मिल्लाह।
चिल्ला रही है। तीसरी कमजोरी जो मेरी कौम के अंदर है अजीजा ने गिरामी, वो है तंग नजरी। तंग नजरी खत्म करें, ना लिसानी बुनियाद पे तंग नजरी और ना ही मजहबी बुनियाद पे तंग नजरी। इंसानियत को औलवियत, जितना मैं इंसानियत को औलवियत दूंगा अली का कुर्ब बढ़ने लगेगा। एक यहूदी औरत को पिटते हुए देखा था अली ने, मेरे मौला का खाना पानी उठ गया। इंसानियत सुननी है मेरा भाई है इंसान होने। मौला अली फरमाने मालिक मैं जहां तुम्हें गवर्नर बनाकर भेज रहा हूं वहां तुम्हारे दो भाई हैं, अम्मा अख्ल लका फिर दीन, या तुम्हारा दीन में भाई है या इंसान होने में भाई। खबरदार दीन में जो भाई हो उसको तरजीह ना दे देना इंसान होने वाले भाई पर। दोनों का पेट एक ही है, दोनों की जरूरतें एक ही है, दोनों के मसाइल एक जैसे हैं, दोनों की परेशानियां एक जैसी है। ये दो भाई हैं तुम्हारे, दो भाई कहकर कम से कम दीनदारों को मेरे मौला ने फजीलत अता की है। लेकिन तरजीह बिला मुराजे नहीं, तरजीह इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए तुम्हारा इंसान होने में भाई है। सुन्नी है कोई बात नहीं, देवबंदी है कोई बात नहीं, बरेलवी है कोई बात नहीं, हमारा है, हमारी जान है। फलाही इदारे बनाएंगे उसमें हम ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ इलाज करवाने शी आएगा, स्कूल बनाएंगे ये नहीं सोचेंगे कि शीयों के लिए स्कूल बन रहा है, नहीं सबकी खिदमत। करबला कमाल इंसानियत की सरजमीन को कहा जाता है। मौला ने चंद मसीहियों को बुला लिया, कभी गौर फरमाया कि चर्चों में इमाम हुसैन, चर्च में मसीहियों के मराकज में इमाम हुसैन का नौहा क्यों पढ़ा जाता है? उसकी एक बड़ी वजह है करबला के शहीदों में एक मसीही खानदान का भी है। कभी गौर फरमाया सुन्नी गैर शिया भी इमाम हुसैन की अज़ादारी क्यों मनाते हैं? करबला में ज़ुहैर ग़ैन, मुस्लिम इब्ने औसजा, ये जो जितनी शख्सियात, इनमें कई शख्सियात ऐसी हैं जो शिया नहीं थे, यानी उस वक्त के जो शिया कहलाते थे वो भी नहीं थे, जो उस वक्त में शिया की तारीफ थी वो भी नहीं थे, वो उस्मानी और लकीदा थे। क्यों इमाम हुसैन पर हर शख्स जमा होने को तैयार है, आने को तैयार है? इमाम हुसैन के नाम पे मजमा क्यों लगने को तैयार है? इसलिए हुसैन ने इंसानियत की बुनियाद हो। करबला अकदार की जंग है, इक्तदार की जंग नहीं है, तहजीब की जंग है, इंसानियत के फरोग की जंग है। तीन चीजों को दूर करना है, कंजूसी को, बुजदली को और तंगनजरी को। हमारे अजीज है, हमारी भाई है, बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, प्यार से बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, और जब हम एक दूसरे से करीब होंगे या वो मुझे मनवा देगा या मैं उसकी मनवा, बस ये होगा, ये ज्यादा से ज्यादा ये होगा। और हमें करबला वालों से यही पैगाम मिलता है, ये बात ही नहीं की इमाम हुसैन ने कि तुम मेरे बाबा को पहला खलीफा मानते हो या चौथा, फरमाया मेरे नाना ने तुम्हारा नाम मुझे शहीदों में दिया है। बार बार पूछ रहे थे मौला अब्बास से, ज़ुहैर का पता लगाओ, ज़ुहैर कहाँ है, ज़ुहैर कहाँ है? मालूम हुआ कि ज़ुहैर मक्के के सफर पर है। वो मक्के आ रहे थे, हुसैन मक्के से जा रहे थे कि सामने से काफिला आते हुए देखा, पूछा कौन है? कहा हुसैन का काफिला है। कहा रास्ता बदल दो। रास्ता बदल दो, अपने गुलाम से कहा रास्ता बदल दो। चंद सवारियों पर थे, रास्ता बदल दिया। इमाम पाक के जनाब अब्बास ने फरमाया वो जो रास्ता बदल के जा रहे हैं वो ज़ुहैर हैं। फरमाया अपने काफिले को रोक दो, और जब काफिला रुक गया तो फरमाया जाओ ज़ुहैर से जाके कहो कि हुसैन बुला रहे हैं। जब मौला अब्बास गए ना जनाब ज़ुहैर के पास, तो ज़ुहैर क़ैन ने अपने गुलाम से कहा कि हमारे घोड़ों में फला घोड़ा जो है, घोड़ों में फला घोड़ा जो है वो ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा सेहतमंद है, ज़्यादा खूबसूरत है, अच्छी सवारी देता है,
वो ले आओ, मैं हुसैन को हदिया भेजूंगा। लगाम पकड़ कर कहा, अब्बास ये हुसैन को मेरी तरफ से हदिया दे देना। इमाम ने मौला अब्बास से फरमाया, ये वापस कर दो और जुहैर से कहो कि हमें तुम्हारे घोड़े की जरूरत नहीं है, हमें तो तुम्हारी जरूरत है। जुहैर ने कहा कि जाके हुसैन से कहो मेरा, मैं मुसलमानों की जंग में नहीं पड़ना चाहता, ये मुसलमान आपस में लड़ेंगे, मैं इस जंग में नहीं पड़ना चाहता। इमाम ने हजरत अब्बास से फरमाया, जुहैर से कहो कि मैं उनसे मिलने आ रहा हूं। जब खुद इमाम हुसैन मिलने गए, जुहैर के हाथ पैर कांपने लगे, हुसैन आ रहा, अपने खेमे से निकल कर बाहर गए, इमाम का इस्तकबाल किया। रिवायत कहती है, इमाम ने जुहैर का हाथ पकड़ा और सहरा में तन्हा चले गए, जुहैर को लेकर चले गए अकेले। कुछ देर वहां रहे और वहां से जब लौटे तो इमाम अपने घोड़े पर बैठ के अपने खेमों की तरफ और जुहैर अपने खेमे में आते और आते के साथ ही सामान जमा करने लगे। तो बीवी का नाम लिखा है, जोजा जुहैर का नाम लिखा है दुल्हा। दुल्हा ने कहा कि क्या हो रहा है, क्या इरादा है? कहने लगा, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। कहा, हमारी तो कभी लड़ाई भी नहीं हुई जिंदगी में, आप मुझे तलाक क्यों देना चाहते हैं? कहा, मैं हुसैन के साथ जा रहा हूँ और हुसैन ने मुझे जन्नत में मेरा मकाम दिखा दिया और हुसैन के नाना रसूल ने मेरा नाम हुसैन को लिख कर दिया है कि कौन कौन करबला में शहीद होगा उसमें एक नाम जुहैर का है, लिहाजा मैं तो बड़ा किस्मत वाला हूँ और मैं अगर तुम्हें तलाक नहीं दूंगा तो इद्दत वफात लंबी होती है, तलाक की इद्दत कम होती है, जल्दी तुम्हारा तुम मेरी निस्बत से दूर हो जाओगी। तो पैरों में गिर गई, कहने लगी, सारी जिंदगी अपने साथ रखा, अब नबी जातियों की खिदमत का वक्त है, मुझे अपने साथ लेके चलिए। आप ही ने तो बताया ना कि उस काफले में ज़ैनब भी है, उस काफले में नबी जातियां भी हैं, अली की बच्चियां भी हैं। सुहैर कहने लगा, नहीं, जब मर्द मार दिए जाते हैं तो औरतों को असीर बना लिया जाता है, मुझे ये भी बताया गया है कि आले नबी को, औलादे जहरा को, नबी जादियों को असीर बनाया जाए। मैं नहीं चाहता कि जगह जगह तशहीर हो ये सुहैर की जौजा है, इसलिए तुम्हारे हवाले गुलाम करता हूँ, तुम्हें ये गुलाम अपने घर लेकर पहुंचेगा और मैं हुसैन के साथ जा रहा हूँ। सुहैर चले गए, करबला पहुंचे और इमाम के साथ जो जुहैर का फिर इस वाकये के बाद रंग था ना, वो कुछ और था। थे तो ज़ईफ़ुल उम्र मगर बड़े बड़े जवानों से जवान थे। जब मेरे मौला हुसैन असर की नमाज पढ़ रहे थे और तीनों की बारिश होना शुरू हुई तो एक मरतबा जुहैर उनमें एक थे कि जो इमाम हुसैन पे आते हुए तीरों को रोक रहे थे। जुहैर तैन करबला के मैदान में शहीद हुए और इमाम ने उनके लाशे पे मरसिया पढ़ा। उधर वाकया करबला गुजरा, ये दिन आए जो दिन आज आप गुजार रहे हैं। जुहैर की जौजा घर नहीं गई, खैमा लगा के सहरा में बैठ गई और इंतजार करने लगी कि करबला की खबर आए, करबला में क्या हुआ है। खबर आई कि करबला में हुसैन को मार दिया, जुहैर हुसैन के साथ शहीद हो गए, हबीब जैसा नबी का सहाबी भी मारा गया और अब उनके सरों को नेजों पर उठाकर हुसैन के बच्चों को असीर बनाकर कूफा कूफा से शाम ले जाएंगे। तो इसने अपने गुलाम को बुलाकर कहा कि जरा देखो उन सरों में जो सर जा रहे हैं उनमें तुम्हारे मौला मालिक जुहैर का सर है। ये गया और जाकर देखकर आया, कहा मालिकन उसमें मेरे मौला जुहैर का सर भी है। जुहैर को भी मार दिया गया। फिर कहने लगी, मैं तुझसे एक काम चाहती हूँ, वो मेरा काम कर दे तो मैं तुझे आजाद कर दूंगी, तेरी आजादी का परवाना नहीं दूंगी। काम ये है, ये कफन ले जा और जुहैर को कफन पहनाकर दफना दिया जाए। जुहैर को कफन पहनाकर, ये कफन ले जाओ और कफन पहनाकर जाए। गुलाम कहता है, मैंने कफन लिया। वो रिवायत कहती है, उस गुलाम ने कफन लिया और ये करबला के मैदान में गया। दो दिन के बाद जब लौटा ना तो इसने दरवाजे पर खड़े होकर खैमे के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई। ये बाहर आई कि देखे कि बताएगा कि क्या करके आया है, कैसे दफनाया, कैसे कफन दिया। तो क्या देखा, कफन हाथों पर है, गर्दन लटकाए खड़ा है। उसने कहा, मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगी। जोजे जोहर जोहर ने कहा, मैं तुझे आजाद नहीं करूंगी। कहा, मालिकन आप मुझे आजाद ना करें,
सारी जिंदगी अपना गुलाम रखी। क्या मैंने तुझे कफन दिया था, अपने मौला को कफन नहीं पहना सका? तो आंखों में आंसू भर के कहने लगा, कफन एक था वहां जहरा का लाल, वहां अली अकबर, वहां औरो मोहम्मद। एक कफन अगर मालिक को पहना कर आ जाता तो कल नबी को क्या जवाब देता? अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हैं, अल्लाह किसी गम में ना लाए सिवाय गम है। मुझे जल्दी नहीं है मसाइब का दौरानिया, अल्लाह करे मैं बयान कर पाऊँ। अयाम अयाम शहादत जनाब सकीना, अल्लाह आपके घरों में जो बच्चियां हैं उन्हें आबरू अता फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए, उनकी तरबियत की आपको तौफीक अता फरमाए। आपने बहुत सुना है, बहुत देखा है, बहुत महसूस किया है कि बेटियों को बाप से मोहब्बत होती है। जब बाप घर में आता है ना तो उस बेटे तो शायद किसी खेल कूद में लगे हुए हों, लेकिन बेटी सारे काम छोड़कर बाप से निपट जाती है। कभी अब्बा की जूतियाँ उतारेगी, जूते उतारेंगी, कभी प्यार करेगी, कभी गले में लटकेगी। बेटियाँ बाप से बड़ी जुड़ी हुई होती हैं। ये मुहावरा भी है और ये मुशाहिदा भी है। मैंने करबला के मैदान में देखा, जुलजना खबर शहादत पहुँचाने जब आया ना, इमाम हुसैन की शहादत की खबर जब पहुँचाने आया तो ढूंढ रहा था सकीना कहाँ, और उसी खेमे पे जाकर उसने पैर मारना शुरू किए जिस खेमे में जनाब सकीना थी। बीवी ने बाबा के घोड़े की आहट सुनी, बाहर आई, घोड़ा गर्दन लटकाए खड़ा था। बड़े वकार के साथ समझदारियां कुर्बान हो सकीना पर, बड़े वकार के साथ कदम उठाए, घोड़े के करीब आई, घोड़े ने गर्दन झुका दी तो उसके सर पर हाथ रखते हुए बस एक ही जुमला कहा, हल सुखिया अभी हम खुद अच्छा, मुझे इतना बता दे मेरे बाबा को पानी पिलाकर मारा, ये मेरे बाबा को प्यासा मार दिया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। जो रो रहे हैं अपनी आवाजों को आजाद करेंगे, बहुत बड़ा मजमा है आपके रोने की आवाजें बुलंद है। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं मामे जाफर सादे दुआ देते हैं, हमारे अमर को जिंदा कर रहे हैं। इस बच्ची ने जिंदाने शाम में कजा है। कभी सोचा मेरे भाइयों ने जनाब सकीना की शहादत कैसे हुई? सकीना की शहादत दिल बंद हो जाने की वजह से। भाई एक बच्ची कितना बर्दाश्त करती, क्या क्या मंजर इसने नहीं देखे, क्या क्या मंजर इसने नहीं देखे। सुनेंगे इसने क्या क्या मंजर नहीं देखे। भाई सैयद सज्जाद के नीचे से बिस्तर खिंचता हुआ था, इसने देखा कि जनाब ज़ैनब के सर से चादर उतर रहा, इसने देखा कि बाबा हुसैन पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। 11 मुहर्रम को आई थी ना बाबा के लाशे पर, तो इमाम हुसैन का लाशा पहचाना नहीं जा रहा था। इस बीवी ने ये मंजर भी देखा है। और फिर जब कूफे के बाजार से गुजरी है, शाम की राहों से गुजरी है, तो क्या कुछ नहीं हुआ इसके साथ। जो रोने आए हैं जुमला महसूस करेंगे, मैंने और हमने और आपने हम सब ने ये बार बार सुना और पढ़ा कि सकीना ऊंट से गिर गई थी। मगर नहीं अजीजो, रिवायत यह है कि सकीना बीवी को गिराया गया था। बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है। गिरना और है, गिराया जाना और है। जब बाबा का सर आता था ना आवाज दी, बाबा मुझे तमाचे मारते। जब भाई अली अकबर का सर आता था आवाज देती थी, भैया मुझे अपने साथ ले जाओ। और जब पूरा काफला रोता था सारी बीवियों की फरियादें बुलंद हो जाती थी। एक जालिम ने दूसरे जालिम से कहा कि क्या करें, इस बच्ची का रोना बंद हो जाए? तो उसने कहा इसका ऊंट आखिर में ले आओ, मैं इसे ऊंट से गिरा दूंगा तो काफला आगे बढ़ा देगा। सुने क्या सदारो, बीवी को ऊंट से गिरा दिया गया, काफला आगे बढ़ा, बीवी पीछे पीछे दौड़ती हुई आ गई। भैया ज़ैनुल आबिदीन में गिर गई, अम्मा ज़ैनब में गिर गई, सदे हुसैन ने गिरिया करना शुरू किया। जनाब ज़ैनब ने अपने भाई को रोते हुए देखा, आवाज देकर कहा, भाई हुसैन तुम्हें किसने रुलाया? फरमाया मेरी सकीना गिर गई। जनाब ज़ैनब ने यह सुना तो खुद को ऊंट से गिरा दिया और उस जानिब गई है जहां से काफला आ रहा था, और आवाजें देती जा रही है, सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो। क्या देखा, एक दरख्त के साए में एक बुरका पोश बीवी, एक काले बुरके में बीवी, बीवी सकीना को गोद में लिए बैठी है और सकीना उस गोद में सो भी गई है।
आ चुकी हुआ सकीना इनकी गोद में सो कैसे गई। जब काफला रुकता था रस्सियां खोली जाती थी, जनाब रबाब पढ़ के कहती थी मेरी गोद में आ जाओ, तो सकीना कहती थी मुझे बाबा के पास जाना है। जनाब जैनब कहती थी मेरी आगोश में आ जाओ, तो फरमाती थी मुझे तो बाबा के पास जाना है। ये तो ना भूपी की गोद में आती है ना माँ की गोद में आती है, ये कौन सी गोदी है जिसमें सकीना सो गई। तो करीब जाके बैठी और कहने लगी बीबी मैं फातिमा की बेटी जैनब, मैं जन्नत की बशारत तुम्हें देती हूँ, मैं तुम्हारी शिफात का इजहार और ऐलान और इकरार करती हूँ, बस हमें इतना बता दो कि ये बच्ची तुम्हारी गोद में सोई कैसी है। ये मेरे भाई की बच्ची सकीना है। जैसे ही गुफ्तगू आगे बढ़ी तो उस बीबी ने नकाब हटाई, नकाब हटी तो बेटी ने माँ को बैठे हुए देखा, लिपट गई जनाब ज़हरा के, अम्मा मेरा भाई करबला में मारा, अम्मा करबला में अली अकबर मारा। कहा ज़ैनब तेरी माँ जन्नतुल बकी में नहीं है, वो करबला में हुसैन को घोड़े से गिरता देख रही है, वो तुम्हारे साथ वो बाव शाम के बाजारों में कचरों कमल अल्लाह गिरिया हो गया, मजलिस हो गई, मगर मेरा दिल कर रहा है शाम चली गई। जनाबे सकीना की कब्र की ज़ियारत का शरफ अता करे, अल्लाह आपको बीबी की कब्र पर ले जाए। जब आप वहां जाएंगे ना तो दो बड़ी कब्रों पर जाएंगे आप, एक जनाबे ज़ैनब की कब्र और एक जनाबे सकीना की कब्र। जब जनाबे ज़ैनब की कब्र पर जाए ना अल्लाह लो तो ज़ियारतनामा जरूर पढ़िएगा, उसके पहले ही सफ़े में लिखा है सलाम हो उस ज़ैनब पर जो 11 मुहर्रम को बेकजावा ऊंट पर बिठाई जा रही थी, तो वो नहर की तरफ इशारा करके कह रही थी अब्बास उठो अपनी बहन को सवार करवाओ, तुमने मदीने में ज़ैनब को सवार करवाया था, और वहां से फिर आप जनाबे सकीना की कब्र पे जाएंगे। जब सकीना बीबी की कब्र जाली से देखे ना तो जरा गौर से देखिएगा, आज भी अरब देहात की औरतें खिलौने लगे डालती हैं, नौहा पढ़ती है तुम्हारी खूबी से वादा किया था हम तुम्हारी खबर पे आते रहेंगे, अजरो कमल अल्लाह अजरो कमल अल्लाह, आवाज़ बुलंद है अल्लाह आपको अजरो सवाब अता फरमाए। और ख़ास तौर पर जब ये कैफियत हो ना गिरिए की दाएं बाएं आगे पीछे से आवाज़ें आ रही तो अल्लाह से अपनी हाजतें भी तलब किया करें, या अल्लाह हम हुसैन का दामन लेकर आए हैं, हम में सब कुछ ना कुछ हाजत रखने वाले लोग हैं, हम सब फकीर लोग बैठे हुए हैं, अजरो कमल अल्लाह। आधी रात गुजरी जनाबे सकीना सोते सोते उठी, और सिर्फ उठी नहीं कभी जिंदान के उस कोने में जाती है, वो भी अम्मा बाबा आए थे, कभी जिंदान के उस कोने में जाती है बाबा अभी आप यहाँ खड़े थे, कभी आवाज़ देकर कहती है अम्मा आप बाबा हुसैन मुझे लेने आए थे, हाय बाबा बाबा कहाँ हो बाबा, ये आवाज़ें बुलंद होने लगी, सकीना का गिरिया बुलंद होने लगा। जनाबे सकीना के इस अंदाज को देख कर बीबियाँ रोने लगी। ये आवाज़ दरबारे शाम तक पहुंची, यजीद के आराम में खलल आया, कहा ये बच्ची क्यों रो रही है, कहा हुसैन की बच्ची सकीना अपने बाबा हुसैन को याद कर रही है, कहा इसे हुसैन का सर भेज दो ये अपने बाबा का सर देखकर कुछ सुकून में आ जाए। तश तला के रखा गया, रुमाल हटाया गया, बीबी कुछ फासले पर बैठी थी, इमाम सज्जाद से फरमाने लगी भैया ये किसका सर है, कहा ये बाबा हुसैन का सर है तुमसे मिलने आए, तो सुनेंगे वहाँ से उठ तो गई मगर कई मरतबा ज़मीन पर गई, करीब आई और बाबा का सर अपने हाथों में लिया और चेहरे को देखकर कहने लगे बाबा ये आपके रुखसारों पे किसका खून है, बाबा ये आपकी रगे किसने काटी, बाबा ये आपकी पेशानी पे किसने पत्थर मारा। फिर फरमाने लगे बाबा मुझसे भी पूछिए मेरे गोशवारे छीन लिए, बाबा मुझे तमाचे मारते हैं, बाबा मेरे दामन में आग लग गई। सकीना बाबा बाबा कहते हुए एक मरतबा हुसैन के मुंह पे मुंह रखकर सो गई। सकीना के रोने की आवाज बंद हो गई, इमाम सज्जाद आगे बढ़े अपनी बहन के नब्ज पर हाथ रखा, जनाबे ज़ैनब को देखकर कहा अम्मा अम्मा रबाब को संभालिए, आवाज आई इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सकीना ने जिंदा ने शाम में अदा की, अजर व कमल अल्लाह, थकेंगे नहीं अदा, मुझे एक मंजिल और लेने दीजिए। तीन मैयतों पे गसाल रोए, एक जनाबे ज़हरा की मैयत, मौला अली के चीख चीख के रोने की आवाज़। जब सलमान ने पूछा मौला आप ऐसे क्यों रो रहे थे, क्या मैंने जब फातिमा को गुस्ल देना शुरू किया तो
اور سیدہ کی دو پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ مولا علی روئے ہیں جناب زہرا کے جنازے پر، دوسرا جنازہ سنیں گے امام سجاد کے جنازے پہ امام باقر روئے ہیں، فرمایا میرے بابا کے بدن پر اب بھی نشانات، اور یہ تیسرا جنازہ سن لیجئے وہ جناب سکینہ کا جنازہ۔ جب غسالہ غسل دینے کے لیے آئی نا، بلائی گئی، تو وہ روتی بھی باہر آئی اور امام سجاد کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگی، بس آخری جملہ، بہت رو لیے، بڑا گریا ہو گیا، امام سجاد کے سامنے آ کر بیٹھی اور کہنے لگی اے اسیر زندان تمہاری بہن کو کیا بیماری تھی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی، کہ میں نے کرتا علیحدہ کیا تو بدن پہ نیلے نشان، امام نے فرمایا تازیانوں کے نشان، سکینہ کے بدن پر مجلس تمام بیماروں کو شفائے ہم سب کی عافیت بخش، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، الٰہی وسیدی و مولانا یا حسین۔ جی بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے دعا کریں اللہ، تمام اسیروں کی رہائی عطا فرمائے۔